हापुड़ जबरदस्त कोहरे में स्कूल बस को रॉन्ग साइड ले जाना एक चालक को भारी पड़ गया। स्कूल बस के सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बस में सवार छात्रों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान चालक प्रधानाचार्य समेत कुल 8 घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। ये सारा मामला थाना सिंभावली के सामने का है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह थाना सिंभावली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर थाने के सामने एक स्कूल बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्कूल बस के चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ, जिसने शॉर्टकट के चलते रॉन्ग साइड का रास्ता चुना। बस को चालक सुशील चला रहा था, जिसमें आरएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रह्मपाल सिंह भी मौजूद थे। कोहरे के कारण सामने से आ रहे ट्रक से स्कूली बस की भिड़ंत हो गई। जोरदार भिड़ंत के दौरान चालक सुशील, प्रधानाचार्य ब्रह्मपाल सिंह, सतीश यूवी, रितु अवनी, शशांक तथा प्रियांशी मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे की आवाज सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। सड़क हादसे के दौरान यातायात भी प्रभावित हो गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड किया और जांच शुरू की। यदि चालक गलत दिशा से बस ना चलाता तो यह हादसा ना होता। ट्रक चालक ने समय रहते गति को काबू में कर लिया, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। देखिए हापुड़ से अभिषेक कश्यप की ये खास रिपोर्ट।